मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन विधायकों के साथ हुई मारपीट पर खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि विरोधी दल के विधायकों ने जिस तरह से व्यवहार किया है उस पर अध्यक्ष की कार्रवाई कर सकते थे। विधानसभा में किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष और सभापति का अधिकार होता है। हम तो इतने दिनों से आप सब जानते हैं कि हम 85 में पहली बार MLA बने, उसके बाद से जब तक रहे, फिर हम तो चले गए, MP बन गए, और फिर जब हम 2005 के नवंबर महीने में 24 नवंबर से यहाँ पर की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, आज तक को ऐसा दृश्य नहीं देखा है भाई, क्यों हुआ है। हम तो इतना जरूर आग्रह करेंगे कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये सब की जिम्मेवारी है, सबकी उसमें भूमिका है, अपनी भूमिका रखनी चाहिए, और अगर जो कुछ भी अपना विचार है उसे प्रकट करना चाहिए, सदन की कार्यवाही को चलने में सहयोग करना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए, उत्तर सुनना चाहिए, ये सबको अधिकार है और पूरे सदन को अधिकार है। धन्यवाद। धन्यवाद। आसन को सत्ता पक्ष के द्वारा गाइड किया जा रहा है। सत्ता पक्ष कैसे बिहार पुलिस को बुलाया, आप जान लीजिए कल जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक गण थे किस तरह से बैठे रहे कंटिन्यूअस, कभी कोई किसी ने इधर उधर नहीं किया, कोई झगड़ा किया है, एक तरफा हो रहा है। बिहार विधानसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि पहले से सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे विधायकों को समझाने की कोशिश की गई, जब मामला ज्यादा बढ़ गया तब पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी विधायकों को समझाने की कोशिश की, पर स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस ने विधायकों के ऊपर बल का प्रयोग किया और उन्हें वहां से हटाया। पुलिस के बल के प्रयोग के दौरान कई विधायक घायल हो गए और एक विधायक बेहोश हो गया, जिसके बाद बेहोश हुए विधायक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बिहार की विधानसभा से बीते दिन जो दृश्य सामने आए हैं उसकी हर कोई निंदा कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस मसले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से RSS BJP में हो चुके हैं, लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरेंगे। राहुल गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी विधायकों पर लाठीचार्ज को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बिहार विधानसभा में सशस्त्र बलों द्वारा विधायकों पर हमला आपराधिक कृत्य है। सड़क पर बेरोजगार युवाओं पर जो हमले हुए वो दिखाते हैं कि सत्ता मिलने के बाद भाजपाई सरकारें जनता पर किस तरह से जुल्म करती हैं, क्या समझती हैं, निंदनीय है। बिहार में लोकतंत्र पर कातिलाना हमला हुआ है। बीते दिन विधानसभा में हुई घटना पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोहिया के जन्मदिन पर लोकतंत्र की हत्या हुई है, नीतीश कुमार के राज्य में जो कुछ हुआ है वो नीतीश कुमार की तानाशाही भरे भूमिका को दर्शाता है, राज्यपाल और हाईकोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी का अध्याय इंडिया में काला अध्याय में लिखा जाए, नीतीश कुमार जी ये समझ नहीं पाए उन्होंने क्या कर दिया था, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना के बाद वहां एंजॉय हो रहा है, नाच गान हो रहा है, खाना चल रही है, सड़कों पर होना अलग बात है, विधानसभा के भीतर रैपिड एक्शन फोर्स बुलाना इससे बड़ा संविधान विरोधी नियमावली विरोधी कोई बात हो ही नहीं सकती। बिहार विधानसभा की गूंज संसद तक सुनाई देने लगी है। बिहार विधानसभा की घटना पर जनतंत्र टीवी ने BJP सांसद गोपाल ठाकुर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको।
के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, इनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से विधानसभा में हुआ है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, आज तक जो कल हुआ वो बिहार विधानसभा में शर्मसार करने वाली स्थिति पैदा विपक्ष ने की। आज तक हम भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, आज तक ऐसा कभी देखे नहीं। और विपक्षियों को तो वहाँ विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो तो भगवान ने रक्षा किया, ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे जो इन लोगों का सरकार नहीं बना। नहीं तो बिहार में जब 15 साल ये लोग शासन में रहे तो कितना अपहरण, हत्या, लूट, खसोट, वहाँ तो कोई विकास से मतलब तब भी नहीं था। और अब जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहाँ विकास कर रही है, वहाँ काम की बात हो रही है, कल आप देखे होंगे जो संपूर्ण मिथिला का मांग था, कवि कोकिल विद्यापति दरभंगा एयरपोर्ट का नामांकन हो, और कल ही विधानसभा में कवि कोकिल विद्यापति दरभंगा एयरपोर्ट का नामांकन किया गया है, सर्वसम्मत से पास हुआ, विधान परिषद में पास हुआ। इतना बढ़िया बिल अभी पास हो रहा है और विपक्ष विधानसभा के अध्यक्ष के टेबल पर चढ़ के और जिस तरह से किया है, पूरे गरिमा को नष्ट करने का काम किया है, शर्मसार विधानसभा को करने का काम किया है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतन टीवी, दिल्ली। भागलपुर पुलिस ने कई संगीन मामलों में फरार चल रहे अपराधी को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी मोहम्मद इजहार अपने ससुराल मोगलपुरा में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आया है, जिसको लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और अपराधी की गिरफ्तारी कर ली। वहीं कार्रवाई के दौरान एक देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। पूर्णिया जिले के लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर लंबे समय से चल रहे स्टेशन पर तिरंगा लहराने का काम होली से पहले पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन से 30.5 फीट यानी कि 100 फीट ऊंचा पोल लगाया गया। इस तरह पोल की सबसे ऊंची चोटी पर 20 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा तिरंगा होगा। वहीं रेलवे के प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में झंडा फहराया गया। इसके साथ ही इस झंडे पर शाम में विशेष रूप से दूधिया रोशनी करने वाली LED लाइटों का लगाया गया है, ताकि फोकस झंडे पर हो सके और रात के समय में इसकी चमक बरकरार रहे। आज पूर्णिया जंक्शन के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज पूर्णिया जंक्शन में पूर्णिया का सबसे हाईएस्ट फ्लैग होस्टिंग हुई है और ये 100 फीट हाइट है और झंडे का लंबाई चौड़ाई 30 फीट बाई 20 फीट है और ये मोन्यूमेंटल फ्लैग के नाम से जाना जाएगा और ये हमेशा फहराता रहेगा 24 घंटा। औरंगाबाद में रफीगंज नेशनल इंटीग्रेशन मेडिकल एसोसिएशन ने एक निजी अस्पताल में शहादत दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का ट्रेनी DSP के साथ कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। वहीं लगभग 2 दर्जन लोगों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान किया, जिसको लेकर ट्रेनी DSP ने बताया कि रक्तदान करने से कोई शरीर में कमजोरी नहीं होती, इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आज के दिन हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह ने अपने शरीर के को देश के नाम समर्पित कर दिए थे और आज उनकी याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भारत में NIMA नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने ये फैसला लिया कि आज का दिन हम लोग रक्तदान कर कर करके उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और पूरे विश्व में एक दिवस से अत्यधिक रक्तदान करने का मिसाल कायम करेंगे। वैशाली जिले में दिन दहाड़े गोली चलाने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर
लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना से घबराए लोगों ने हाजीपुर महनार मुख मार्ग को घंटों तक जाम रखा और अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और लोगों को समझाने की कोशिश की। बाहरी लोग हैं, अमरेश कुमार का नाम है उसका, पूर्व विधायक सतीश जी के सैद रसोईया भी रहा है, ये भी कन्फर्म नहीं है, थोड़ा देर के बाद कन्फर्म होगा। हम लोग आए तो सुने कि गोली चला और गोली दिन दहाड़े चला, ये इतनी बड़ी विफलता बिहार सरकार के, आए दिन रोज गोली चल रहा है, आम आवाम सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं, घर से खींच के गोली मारा जा रहा है, रोड पर निकलना मुश्किल है, अब लोग कहाँ जाए, कैसे सुरक्षित रहे, ये तो सरकार के मुखिया को तय करना है। ये तो सर कांड हुआ कितने बजे का हुआ? ये अभी से 10 से 15 मिनट पहले की घटना है, अभी तक प्रशासन भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, प्रशासन की भी सूचना दी गई थी स्थानीय आम लोगों के द्वारा, यहाँ पे चौकीदार जी हैं, चौकीदार जी भी सूचना दिए थे, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है जो इंजर्ड है। क्या नाम हम कुछ पता है कहाँ के लड़के का? नाम सुने सुल्तानपुर का अमरेश कुमार नाम के लड़का है, इसी गांव के बगल में कथलिया गांव है, उस गांव में उसका रिलेटिव है, बहन रहता है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर पप्पू यादव हुआ, जिलाध्यक्ष हूँ जन अधिकार पार्टी। खबर जमुई के गिद्दौर की है, जहां पर सेवा निवासी वीरेंद्र कुमार के बेटा और बेटी ने पटना की पाटलिपुत्र खेल परिसर में चैंपियनशिप कार्यक्रम में अपना परचम लहराया है। इन्होंने जूडो कराटे में कई लोगों को मात दी है। दोनों जमुई के बुद्धा मार्शल आर्ट कराटे के छात्र हैं। वहीं बच्चों के परिजनों में खुशी का माहौल है। पिता वीरेंद्र कुमार का कहना है कि दोनों का प्रयास रंग लाया है। आपको बता दें कि आज जमुई जिला नक्सल प्रभावित जिले माने जाता है और इन लोगों ने अपना आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि लड़की होकर अपनी सुरक्षा खुद करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं चाहता हूं कि हर बच्चे ये आत्मरक्षा अपने आप करें, खुद के डिपेंड रहें, किसी पर आत्मनिर्भर नहीं रहें। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सभी बच्चे मार्शल आर्ट कराटे सीखें, तो यही प्रेरणा है कि मेरे बच्चे सेल्फ डिफेंड अपने आप को बचाव के लिए कराटे सीखें। मेरी भी लड़की भी गई चैंपियनशिप पटना में पाटलिपुत्र कम्प्लेक्स में, वहाँ पर हमारी लड़की सिल्वर मेडल जीती है फाइट करके, और बेटे भी फाइट करके जीते हैं। तो आपने लोगों से पता चल रहा है कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग निःशुल्क दे दिया है? जी मैंने करीब हम कराटे भी सिखाते हैं और बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग भी मैं दे रहा हूं, और चाहता हूं कि हर बच्चे को मैं ट्रेनिंग दूं। मेरा बच्चे के उनका पापा है, वही खुद है ब्लैक बेल्ट में, वही खुद सिखाए घर में। क्या लगता है आपको कि इससे सीखने से आत्मनिर्भर बनेगा, और जो पूरे देश में इस तरह की घटना हो रही है बच्चियों के साथ, ये सब में रुकावट आ सकता है? हाँ, हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सीख ले अपने आप पर खुद, जैसे हर जगह के देखते हैं न्यूज में छेड़छाड़ करके फेंक देता है, इसे वैसे, इसीलिए मैं अपना बच्चा को सिखा रहा हूँ कि अपने आप को सुरक्षित कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता देवी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।